गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सड़क पर निकली हूँ बहुत दिनों के बाद, और अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे भाई के घर। उसने जस्ट यहाँ पे मूव किया है, शिफ्ट किया है, तो मैं आपको उस घर का भी रूम टूर करवाती हूँ। और मुझे बताना ज़रूर आपको कल का वीडियो जो मैंने डाला था, जापानीज कैसे सीखते हैं वो सब कैसे लगा। और ये बहुत सनी हो रखा है यहाँ पर, और अच्छा खासा वेदर है। इतना भी सनी नहीं है लेकिन अच्छा खासा वेदर है कि आप ऐसे विदाउट जैकेट्स घूम सकते हो यहाँ पर। तो अभी मैं वही जा रही हूँ और मैं आपको उसका रूम टूर भी करवाती हूँ। और ये रूम टूर जो होगा वो है उसका 1K, मतलब वन रूम किचन का घर है, वन रूम किचन का घर है। और वन रूम किचन कैसे होता है जापान में तो आपको वो देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। एंड यस, जो लोग मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनको थैंक यू कहना चाहूँगी, और जो मेरे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उनको सबको मैं थैंक यू करना चाहूँगी, क्योंकि अगर नए लोग मेरे चैनल पर जुड़ रहे हैं उन्हें अगर पता नहीं है मैं कौन हूँ, तो मेरा नाम है कविता और मैं यहाँ पर जापान में रहती हूँ। तो यस, और आई जस्ट अपने जो डेली व्लॉग्स या फिर वीज़ा रिलेटेड को वीडियोस होते हैं वैसे ही वीडियोस बनाती हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगी अभी वन रूम किचन कैसा होता है। और इस घर का रेंट जो है वो है 40,000 येन, और 40,000 येन अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो दैट विल बी आई थिंक 25,000 रुपीज़ पर मंथ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, मैं आपको उसका रूम टूर करवाती हूँ। और वेदर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया वेदर हो रखा है। और बहुत देर के बाद मैं इस तरह से व्लॉग बना रही हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो गाइस। तो बाय। हाँ गाइस, हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो मैं अभी आपको लेके चल रही हूँ मेरे भाई का रूम, और ये रूम है फर्स्ट फ्लोर पे, इसका 102 रूम नंबर है। और मैं आपको इसका टूर दिखाती हूँ। ये जो रूम है वो है 1K रूम, मीन्स आपको इसमें किचन और बाथरूम और एक रूम मिलेगा जो कि 6x6 का होता है, और किचन बाथरूम के सामने होता है, और किचन बाथरूम और टॉयलेट बहुत आर कंबाइन होता है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर प्लीज़ सब्सक्राइब दिस माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। ओके, तो गाइज ये है फ्रंट डोर इसका यहाँ पर, अभी जस्ट उसने शिफ्ट किया है, इसके लिए ये पट्टी विट्टी निकालना बाकी है। और ये उसका आउटसाइड लुक है ऐसे। तो अगर आप डोर ओपन करते हो तो इस तरह से आपको अंदर जाना पड़ेगा, और अंदर जाने के बाद आई जस्ट रिमूव माई शूज़। और ये जो जापानीज में सिस्टम होती है कि आपको ऐसे इस तरह से शूज़ रखने होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट जो कि डोर ओपन करने के बाद यहाँ पे गैस इसने रखा हुआ है। ये गैस अभी अभी जैसा है, इसका कनेक्शन अब तक ऑन नहीं हुआ है। और ऊपर उसका जो है वो एग्जॉस्ट फैन है, होप सो आप देख पाओगे ये एग्जॉस्ट फैन है। और ये उसका जो भी रहेगा ये उसको क्लीन करना पड़ेगा एवरी वीक, जब भी वो काम करेगा मतलब क्लीन करेगा। और ये थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर रख दूँ। और ये है उसका जो किचन एरिया जो कि वो यूज़ कर सकता है यहाँ पे खाना बनाते वक्त। और इसके ऊपर एक लाइट है जो इस तरह से ऑन होती है, यहाँ पर इस तरह से वो ऑन हो जाएगा। और इसकी गैस के नीचे ही यहाँ पर आपको जो स्पेस होती है वो रखने के लिए वो मिलेगा यहाँ पर, ताकि आप जो भी आपके बर्तन हो वो यहाँ पर आप रख सकते हो। और उसके यहाँ पर भी सेम बॉक्सेस है, उसने सिर्फ यहाँ पर राइस रखे हुए, तो बॉक्सेस वो सब बहुत अच्छा स्पेस है यहाँ पर भी कि आप अपने जो भी सामान है वो सब रख सकते हो। और यहाँ पर आपके जो भी नाइफ्स एंड फोक वो सब अगर आपके पास अरेंज कर सकते हो यहाँ पर रख सकते हो। और ये था किचन एरिया, किचन के बाजू में ही अगर आप देख सकते हो ऐसे है, ये इस तरह से है। और किचन के बाजू में बाथरूम है, तो मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ मेरा लाइट्स। और ये रहा बाथरूम उसका, और जो कि शावर बाथरूम है, यहाँ पे उसका जो टिश्यू एंड वो रखेगा यहाँ पर होगा। ये उसका टॉयलेट है, और यहाँ पे उसका ऑफरो है, ऑफरो भी आप देख सकते हो बहुत अच्छा स्पेस है एक बंदे के लिए स्नान करने के लिए। और बाहर विंडो है, यहाँ पे मिरर है, और यहाँ पर मैं हूँ हाय। और ये लाइट है, कर्टन्स आप लगा सकते हो तो लगा लो, क्योंकि कर्टन्स ऐसे लग सकता है यहाँ पर। और ये अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पर बाथरूम में भी, और ये बाथरूम का डोर है,
इसको मैं लाइट ऑफ कर दूँ। और डोर बाथरूम के बाजू में अगर आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्पेस है, एक बंदा आराम से यहाँ पे खाना बना कुक कर सकता है अच्छी तरह से और कुक कर सकता है अच्छी तरह से। और ये है शू रैक, ये बहुत अच्छा उन्होंने दिया है और इसके साथ में घर के साथ ही उन्होंने मतलब दिया था ये शू रैक है। यहाँ पे आप जितने हो सके उतने शूज़ यहाँ पे रख सकते हो और कुछ अम्ब्रेलास वो सब है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये अच्छा खासा शू रैक उन्होंने दिया हुआ है तो आप देख सकते हो बाहर का मतलब डोर इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। जो फर्स्ट फ्लोर है और बाहर छोटा खासा आंगन में उन्होंने दिया हुआ है जो आप यूज़ कर सकते हो। और ये है अंदर जो बेडरूम एरिया होता है, बेडरूम एरिया का डोर है यहाँ पर और यहाँ पे प्लग है, कभी कभार आप खाना बनाते वक्त चार्ज या नॉल कर सकते हो फोन। और ये अगर आप ओपन करते हो तो इस तरह से दिखता है। उसने जस्ट अभी जो स्मूव किया है कुछ सामान वो सब रखा नहीं, थोड़ा सा मेस वहाँ पर रहेगा तो इस तरह से बहुत अच्छा खासा स्पेस है इसका। और अच्छा खासा स्पेस है और इस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। मैं थोड़ा सा डोर यहाँ पे क्लोज कर दूँ ताकि आपको देखने के लिए परफेक्ट। ये डोर से जैसे आप इसको देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पे। आई थिंक वो अकेला ही है तो अच्छा खासा वो रह सकता है, टीवी कनेक्शन एंड ऑल वो लगा कर आराम से रह सकता है। तो डोर यहाँ पे हो गया। देखो आप डोर की बात कर रही थी मैं तो डोर यहीं पर ही है। डोर के बाजू में ये इंटरफोन है तो कि बाहर आप रात में कभी कोई किसी ने गलती से बेल दबा दी तो आप बात कर सकते हो। और ये एनटीटी का यहाँ पे वाईफाई का रूटर का उन्होंने वो प्लग लगा रखा है। और इसके बाजू में ही कपाट से जो कि आप अपने जितने सारे सामान हैं वो यहाँ पर रख सकते हो। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्पेस है, ऊपर भी बहुत अच्छा स्पेस है इससे बड़े बड़े एक बंदे के लिए जो सामान मतलब होता है उतना स्पेस उन्होंने दिया हुआ है। और यहाँ पर जो वॉल है वो भी एकदम अच्छा है कि अगर आप डेकोरेट करना चाहते हो तो डेकोरेट बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो। और ये एसी है जो उन्होंने नई लगवा कर दी है अभी, क्योंकि पुराने जब हमने देखने के लिए आए थे तब कुछ भी नहीं था, बहुत गंदा था ये घर, तो उन्होंने पूरी तरह से रिनोवेट करके दिया है। और ये कर्टन्स उसने लगाए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़े से कर्टन शॉर्ट हो गए लेकिन डोंट माइंड। और ये अगर आप बाहर का इसे ओपन करते हो तो बाहर ओपन करने के बाद ये इस तरह से दिखता है बालकनी व्यू, तो होगा इस तरह का। तो मैं आपको ओपन करके दिखा रही हूँ। तो बालकनी तो नहीं सिर्फ बोल सकते, आंगन बोल सकते। ये एसी का यहाँ पर है, यहाँ पे खुद का जो जितना आप अगर पेड़ पौधे लगा सकते जैसे उसने जापानी बंदने लगाया तो वैसे लगा सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे कपड़े सुखाने के लिए उन्हें भी कुछ दिया हुआ है। तो मैं इसको लॉक कर दूँ। तो ये इस तरह से रूम दिखता है। अगर मैं कर्टन के यहाँ से देखूँगी तो बहुत अच्छा स्पेस है, बहुत ही अच्छा स्पेस है। और आप ये लाइट देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर लगाई हुई है। और यस गाइस, तो ये था छोटा सा मेरा यहाँ का रूम टूर। होप सो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे वीडियोज़ और आते रहेंगे, सो देखते रहिए। और एक बार मैं आपको यहाँ से पूरा घर का व्यू दिखा दूँ, कितना अच्छा सनी लग रहा है यहाँ से, मतलब कितना अच्छी धूप और उजाला जो भी है वो बहुत अच्छी तरह से आता है इस घर पे और बहुत अच्छा लग रहा है। और यस, तो मैं आपको मिलती हूँ बाद में।